3, 5 ऐसे करके। Happy birthday to you। जादू करोगी? चलिए हमने ब्लॉक हो गया, टायर बर्स्ट। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए और ये मेरी फ्रेंड प्रिया का आज बर्थडे है तो उसी के लिए हम जा रहे हैं साथ में। और बाहर का व्यू देख सकते हैं, सनसेट अभी 6:10 के आसपास का टाइम हो रहा है, सनसेट होने वाला है और कितना अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं और ये अंदर गली गली हम जा रहे हैं क्योंकि प्रिया के लिए जो उसके हस्बैंड ने केक ऑर्डर किया था वो यहीं पर है, तो कोई होम बेकर है तो वो बनाती हैं तो वहीं से लेना था। फिर हम लोग वापस उसका केक लेके और सिटी के लिए निकल गए, मतलब सिटी में गए हैं क्योंकि रेस्टोरेंट तो सिटी में ही है। पहले हमारा प्लान ग्रिल मास्टर का था पिज्ज़ा खाने का, लेकिन फिर बैक प्लान चेंज हो गया और फिर हम ग्रैंड महाराजा पहुंच चुके हैं तो आज ग्रैंड महाराजा में ही हम डिनर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फिर केक कटिंग हो चुका है और इसके साथ ही बच्चे भी ट्रैम्पलिन से अंदर आ चुके हैं केक वगैरह खाने के लिए। और हमने अपने लिए टोमेटो सूप ऑर्डर किया है तो हमारा टोमेटो सूप भी आ गया है। और केक रेड वेलवेट केक था, बहुत ही टेस्टी केक था और बहुत हमने इंजॉय किया। बैकग्राउंड साउंड मैंने ऑफ़ कर दिया है क्योंकि लाउड म्यूजिक है इस वजह से। और बाकी हमने खूब इंजॉय किया। प्रिया के साथ हम फर्स्ट टाइम बाहर गए हैं डिनर के लिए और हम बैरकपुर से ही हम साथ में हैं तो हम लोग काफ़ी टाइम से 4-5 ईयर से साथ में हैं। और यहाँ पे बच्चे अपना फ्रेंच फ्राई को इंजॉय कर रहे हैं तो हमने एक प्लेट फ्रेंच फ्राई ऑर्डर किया था पहले एक, फिर इन लोगों ने फिनिश किया, फिर हमने वापस से रिफ़िल भी कराया इन्हें फ्रेंच फ्राई क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और इन्हें और फ्रेंच फ्राई खाना था। और हमने अपने लिए कुछ अलग मंगाया है तो हमने अपने लिए वेज प्लेटर मंगाया है तो वेज प्लेटर में आप देख सकते हैं क्या क्या है और इसके साथ हरी चटनी है, बहुत ही टेस्टी था हमारा स्टार्टर्स। और इसके साथ हमने बहुत कुछ मंगाया था बाद में जिसका मैं व्लॉग शूट नहीं की हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद एंटा टीम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, 12:15 और हम पीटीएम के लिए निकलेंगे अभी। तो आज तक साधु का पीटीएम है और तक साधु यहाँ पे रेडी हो चुके हैं और खेल रहे हैं क्रिकेट। बाहर धूप बहुत ज़्यादा है तो मैंने आज बच्चों को अंदर थर्मल नहीं पहनाया है, डायरेक्ट स्वेटर पहना दिया है हाफ शर्ट के ऊपर, फुल स्लीव शर्ट भी नहीं पहनाया है क्योंकि स्वेटर तो पहनना ही, अभी विंटर है तो मैम बोलेंगे स्वेटर पहन के ही आना है। लेकिन मैं बस कुर्ती ऐसी ही डाली हूँ, जीन्स कुर्ती। और आंसू भी रेडी हो रहे हैं तो आंसू को थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आंसू बहुत अच्छे से आयरन कर करके रेडी होंगे। हेलो दक्ष, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तो बोल रहा हूँ, हम लोग 10 कार खरीद लेंगे। नहीं, अंजलि के पापा नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। दक्ष जा रहा है और मम्मी जा रही है। आदू नहीं जा रही है ना? देखो आदू तो दिखाई भी नहीं दे रही, मतलब आदू नहीं जा रही है। आदू दक्ष वे इज आस्किंग टू हेलो आद्या, आप कहाँ जा रही हो? स्कूल स्कूल तो
क्या हुआ? छोटा सा किचन देखा। क्या देखा? छोटा सा किचन। किचन देखा आपने? हाँ। क्यों? पापा आ रहे हैं। पापा बोले कि आप लोग आगे चलिए, मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर तक्ष गया है हम सब के लिए स्नैक्स लेकर आने के लिए। तक्ष हमारे लिए फ्रूटी लेकर आए हो? हमारे लिए कुछ पीने के लिए टी, कोल्ड ड्रिंक। हमारे लिए लेकर आए हैं पफ कुरकुरे, तो पीटीएम का ये गिफ्ट है तक्ष आदू के लिए। वैसे मेरा आईब्रो बड़ा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि बना लेती हूँ, मतलब बनवा लेती हूँ, बना क्या लेती हूँ, बनवा लेती हूँ। और आधे यहाँ पे अपना अजीब सा शक्ल बना के बैठी हुई है क्योंकि डांट सुनी है। वो अपनी मैम को गुड मॉर्निंग विश नहीं करती, इसलिए तो आधे थोड़ी सैड है इसलिए। और तक्ष भी अपनी मैम से थोड़ा अच्छा भी सुने हैं, थोड़ा बुरा भी सुने हैं। तक्ष थोड़ा टिफिन स्लो स्लो खाते हैं। इस मामले में हर पीटीएम में हम कंप्लेन सुनते हैं, तक्ष आदू स्लो खाना खाते हैं। और वैसे तक्षी मैम ने तक्ष को बोला है कि ये हॉस्टल में रख लूँगी छुट्टी वाले दिन, तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। आदू जादू करोगी? नहीं करोगी? क्यों? और आद्या को पीना है कोल्ड ड्रिंक। आद्या सुबह से क्या क्या खा चुकी है पीटीएम से आने के बाद? आद्या क्या क्या खा चुकी हो बताओ? चिप्स, किंडर जॉय, उसके बाद आदू बताना जरा, टॉफी, मतलब मैम ने इसकी टॉफी दिया था वो खा चुकी है। आदू अभी कोल्ड ड्रिंक मांग रही है। दूध जब मैं दे रही हूँ तो दूध कच्चा है बोलिए, जबकि बॉयल्ड दूध चॉकलेट मिल्क दे रही हूँ, फिर भी आदू को वो कच्चा लग रहा है। आदू को सिर्फ जंक फूड और बाहर का फूड खाना है, अनहेल्दी चीज़ें, है ना आदू? और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और आदू को ये सब चीज़ें खानी है 5:30 में, है ना आदू? मैं थक गए, मुझे कोल्ड ड्रिंक देते हैं। थक दे जाने के बाद दूध देते हैं ना, तो आज हम दूध पियेंगे, है ना आदू? दूध पियेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? शाम को कौन पीता है कोल्ड ड्रिंक? मैं। और डिनर में आज क्या खाना है आदू को? लेडीज फिंगर। हाँ लेडीज फिंगर। और मुझे सिर्फ हाफ ग्लास, मम्मा सिर्फ हाफ ग्लास कोक दे दीजिए। ठीक है, आदू को 1 ग्लास चॉकलेट मिल्क मिलेगा और लेडीज फिंगर का भुजिया और पराठा या चपाती। आदू को हेल्दी खाना में ऐसे ही रोना आता है ना आदू। और आज हमारा कपड़ा भी, हम लोग ने कपड़े वॉश नहीं किए थे, आज सूट लेकर आए हैं डिटर्जेंट, फिर हम लोगों ने कपड़े वॉश किए, बस एक दिन कपड़े नहीं धुले हैं। और आज कम से कम पीटीएम से आने के बाद 6 टाइम चल गया है वॉशिंग मशीन, और 6 टाइम वॉशिंग मशीन चलने का नतीजा ये है कि बाहर जो कपड़ों की लाइन लगी है ना, मतलब जो रस्सी होते हैं कपड़े वाले, वो तो एकदम ख़त्म ही हो चुका है, मतलब कहीं जगह स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो यही हाल है। और बाहर का नज़ारा, अभी इवनिंग है तो थोड़ा सा लाइट वगैरह कम है, मतलब लाइट ही तो यहाँ पे अंधेरा 7:00 होता है, बट मैंने रूम का लाइट ऑफ़ किया है इसलिए थोड़ा सा, बाकी उधर मेरे घर में दोनों तीनों तरफ डोर हैं, तो डोर से ही बहुत अच्छी खासी लाइट आ जाती है 6:30 7:00 तक, तो लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, नेचुरल लाइट से ही काम चल जाता है। और बाकी आदू आके थोड़ा पहले आ गई है, आदू 5:30 में, और मुझे परेशान कर रही है, और मैं जा रही हूँ वॉक पे, है ना आदू? लेकिन आदू चाह रही है कि मैं, मुझे वो परेशान ही कर ले। मैं दिखाती हूँ कपड़ों का क्या हाल है। बाहर का वेदर दिखाती हूँ अभी क्या है। बहुत ज्यादा धूप है, देख सकते हैं कितना धूप है। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और आद्या मुझे परेशान कर रही थी घर के अंदर, लेकिन अभी बाहर आ चुकी है परेशान करते करते। और हमारे गार्डन में बहुत सारे आपको फ्लावर भी दिख जाएंगे। और ये देख सकते हैं कि कपड़ों का लाइन, तो यहाँ से ये जो
ये बांधा हुआ है हमारे प्लांट्स के लिए। इसके रस्सी पे भी कपड़े जा चुके हैं। लाइन लगा हुआ है कपड़ों का, बस एक दिन कपड़े नहीं धुलते हैं और ऐसे लाइन लगती है। तो इतने ही हमारे कपड़ों के लाइन्स हैं, सूख जाएंगे शाम।